स्वच्छता पखवाड़े के तहत रविवार को कपकोट में भी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट व उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। रैली के माध्यम से लोगों से खुले में कूड़ा न फैलाने तथा गीले व सूखे कूड़े को अलग अलग एकत्र करने की अपील की गई। विभिन्न समूहों से जुड़ी महिलाओं व सदस्यों को नगर के 7 वार्डों में जागरूकता अभियान के लिए रवाना किया गया। हम अंगुल काट के ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं। बचपन तक अपना अक्षय शौर्य को समर्पित करते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने। शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने। खेल जगत को हिला दिया है कोहली साइना नाम ने। इतिहास बदल के दिखा दिया है अपने चाचा कलाम ने। दस्तखत है इस मिट्टी का समूचे आसमान पर। ये गंदगी का धब्बा कैसे मेरा हिंदुस्तान पर। आज पूरे राष्ट्र में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया है। इसी अभियान के तहत नगर पंचायत कपकोट में समस्त जनमानस के साथ, समस्त हमारे स्कूल के विद्यालयों के बच्चों, महाविद्यालयों के बच्चों, छात्रों के साथ में समस्त हमारे विभिन्न विभाग के अधिकारीगण, पुलिस विभाग से लेकर समस्त डिपार्टमेंटों को एकत्रित होकर के एक रैली निकाली गई। इस रैली के साथ साथ हम लोगों के द्वारा एक समस्त क्षेत्र को कूड़ा से कूड़ा बिनने का कार्य भी किया गया है और काफी सारा कूड़ा भी हमने एकत्रित किया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जन सहभागिता रहेगी, जनता का पूरा सहयोग रहेगा, जन सहभागिता रहेगी, तो निश्चित तौर से हम लोग स्वच्छ भारत अभियान में अपना निश्चित तौर से योगदान दे पाएंगे। सर, आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर इस पर आपका प्रशासन की ओर से क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का जो महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि 2 अक्टूबर को हम एक स्वच्छ भारत, उनका पहले से सपना था कि 2 अक्टूबर को एक स्वच्छ भारत होना चाहिए। उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य के अवसर पर हम लोग स्वच्छता अभियान शुरू कराएंगे और ये अभियान केवल पखवाड़े तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम लोग विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न परिचालनों के माध्यम से इस अभियान को लगातार जीवंत रखेंगे। आज नगर पंचायत कपकोट द्वारा संयुक्त रूप से, इसमें तहसील प्रशासन और क्षेत्र के हमारे सभी, जैसे आदर्श इंटर कॉलेज कपकोट के और राजकीय महाविद्यालय ओसो के सभी एनसीसी और एनएसएस के सभी छात्र छात्राओं सहित नगर क्षेत्र के सभी विभागीय और कर्मचारी गणों के सहयोग से ये स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत को सब लोगों ने, सभी नगर क्षेत्र के जितने अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, खासकर तहसील प्रशासन, उप जिलाधिकारी महोदय कपकोट, तहसीलदार महोदय कपकोट, सब लोगों का बिल्कुल बढ़ चढ़ कर इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना हमारे क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है और सब लोगों का एकजुट होकर एक संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित होना, वाकई हम नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को भी और खुद मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि सब जन सहयोग से ही हम स्वच्छता कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाए। कपकोट से ललित जोशी के साथ तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।